हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। कैसे आप सब, फाइनली लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए हिंदी क्लास 12 2023 परीक्षा के लिए सीधे परीक्षा में छपने वाले प्रश्न, यानी मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 3। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग को मॉडल सेट का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग 10 सेट कम्प्लीट करेंगे और आपको जो है पूरे जो सारे क्वेश्चन आप लोग को इन्हीं 10 सेट से पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग को बाहर से नहीं आएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं, 450 मार्क्स प्लस लाना चाहते हैं, तो हमारे सभी वीडियो को आप लोग देख लेंगे। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, एक भी क्वेश्चन आप सभी का जो में नहीं छूटने वाला, ठीक है। सोचना नहीं है, अभी आपको पढ़ना वही है जो आपके एग्जाम के लिए दृष्टि से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, वही प्रश्न आप लोग को देखना है। इसको आप लोग को अच्छी तरह से रट लेना है, सारे क्वेश्चन को आप लोग एक एक करके नोट कर लेना है और देखना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सब क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से रिविजन करते रहना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग देखिए, मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था, बताइए। यहाँ पे चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, मैं थोड़ा तेजी से करूँगा, आप लोग अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को देखते जाइए और फटाफट हमारे साथ आंसर करते जाइए, अपने सोचते जाइए कौन सा क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर सोच रहे हैं, फिर हम तो फाइनल आंसर आपको बताने ही वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पार्वती बाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नया खून, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा हम लोग को धर्म शब्द जो है वो क्या है, धर्म शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग, पुरलिंग या फिर उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पुरलिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। धर्म शब्द जो है पुरलिंग है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर हम लोग को प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पुरलिंग हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन कर हम लोग को आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध जो है क्या है, निबंध है, कहानी है, ये कविता या फिर लोचन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कविता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आत्महत्या के विरुद्ध ये जो है कविता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 कराए कि वह स्थान जहां सेना रहती है वो क्या कहलाता है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वह स्थान जहां सेना रहती है उसके लिए हम जो है छावनी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं हम, बताइए जिसने गुरु से दीक्षा लो उसके लिए हम कह सकते हैं दीक्षित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कर हम लोग को गिरा हुआ के लिए एक शब्द इस्तेमाल करना है, देखिए ध्यान से काफ़ी लजब क्वेश्चन है। गिरा हुआ के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल जो करेंगे वो हम कह सकते हैं पतित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर का इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन करके रघुवीर साय का जन्म जो है कब हुआ था, रघुवीर साय का जन्म जो है कब हुआ था, देखिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 9 दिसंबर 1929, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1929 को। आगे क्वेश्चन का हमको रघुवीर साय के पिताजी का क्या नाम है, क्या नाम था बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो रघुवीर साय के पिताजी की बात करें उसका नाम था हरदेव साय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का हम लोग को जर का विलोम जो है वो क्या है, जर का विलोम क्या, फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जर का विलोम डेफिनेट सभी को पता होना चाहिए चेतन, जिसको हम तना भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को अधिकतम का विलोम क्या होगा, अधिकतम के विलोम की बात करें तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा, अधिकतम का विलोम जगह न्यूनतम, डेफिनेट सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोग को रघुवीर साय का जन्मस्थल जो है वो कौन सा है, देखिए रघुवीर साय के जन्मस्थल की बात करें तो ये जगह आपका लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, रघुवीर साय का जन्म लखनऊ में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग करके मोहन राकेश और मेहनत कश और औरत को जो है कवि ने किस रूप से देखा है, ये 14 नंबर क्वेश्चन को क्या आंसर होगा बताइए यहाँ पे, मेहनत कश और औरत को कवि ने जो है किस रूप से देखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लोहा, ऑप्शन नंबर बी लोहे के रूप में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को सिंह का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा, सिंह का पर्यायवाची शब्द है बिल्कुल डेफिनेटली सभी को आंसर आना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, केसरी, मृगंधर एंड शेर, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है, इनमें से तीनों जो करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर जा रहा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग को सागर का पर्यायवाची है, सागर का पर्यायवाची क्या होगा, डेफिनेटली सबको पता होगा समुद्र, जलधि, उदधि, ये जो है सागर का सभी पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन करेंगे कौन सा कृति जो विनोद कुमार शुक्ल की है, कौन सी कृति जो विनोद कुमार शुक्ल की है, देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका दीवार में एक दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये जो आपका कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग को जो बहुत
कम जानता हो, जो बहुत कम जानता हो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे, जो बहुत कम जानता है उसके लिए हम कह सकते हैं अल्पज्ञ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। जो बहुत कम जानता है उसके लिए हम अल्पज्ञ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का, हम लोग को जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करना है। बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल जो करेंगे एक शब्द है वो कहेंगे हम अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अप्रत्याशित। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर जो है मनी कॉल ने फिल्म बनाई थी, बताइए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कॉल ने फिल्म बनाई थी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका नौकरी की कमीज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको पत्नी बेटियां को क्या करती है, पत्नी जो है बेटियां को क्या करती है, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे, जो समझाती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, हम लोग को घर का पर्यायवाची जो है वो क्या होता है, घर का पर्यायवाची डेफिनेटली सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन होगा, तो घर का पर्यायवाची यहाँ पे निकेतन, सदन, आवास, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर इनमें सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हमको ऐश्वर्य का पर्यायवाची बताना आप लोग को, ध्यान देंगे ऐश्वर्य का पूछ रहा है वैभव, विभूति, संपन्नता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन आकाश का पर्यायवाची बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा और डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए, आकाश का पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर, ये तीनों होता है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोग को कि मशक वाला जो है क्या कर रहा है, तो यहाँ पे आपको पहचानना है मशक वाला जो है क्या कर रहा है, तो सड़क खींच रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है एक करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का जन्म जो कब हुआ था, अशोक वाजपेयी के जन्म की बात कही जाए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16 जनवरी 1941, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन करके परमोषद का संधि विच्छेद बताना है, ध्यान देंगे परमजोर औषध, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमजोर औषध बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन कला की, महोत्सव का संधि विच्छेद काफी लाजवाब क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाजोर उत्सव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन करके अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चलेगा ऑप्शन नंबर बी परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है, इनमें से कौन सी कृति जो कि अशोक वाजपेयी की नहीं है, वो है कोणार्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अशोक वाजपेयी की नहीं है। कराके चीड़ी मार में समाज जो है किस प्रकार समाज है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है चीड़ी मार, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, चीड़ी मार में जो कि तत्पुरुष समाज है बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, भाई बहन में समास पहचानना है, ध्यान रखिए भाई बहन की बात कही जाए तो इस तरह के जो है वर्ड में द्विंदु समास लगते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वियोजक चिन्ह और एक दूसरे के लगभग विपरीत टाइप के शब्द जो होते हैं वो द्विंदु समास होते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, रोटी, पानी, इस तरह के जो एक दूसरे का जो अलग अलग शब्द जो होते हैं वो द्विंद समास होते हैं एक साथ मिला हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कवि कह गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है अशोक वाजपेयी की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, रोटी शब्द का लिंग निर्णय करना है, रोटी क्या है, 2021 के मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, रोटी शब्द स्त्रीलिंग। चलिए कह रहा है कि हारजीत कविता के रचयिता कौन है, डेफिनेटली सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, हारजीत जो है कविता के लेखक जो अशोक वाजपेयी है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यथेष्ट शब्द का संधिच्छेद बनाना है, यथेष्ट शब्द का संधिच्छेद किया जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो यथा जो इष्ट, ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए यथा जो इष्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, हम लोग को प्रातःकाल शब्द का संधिच्छेद बनाना है, प्रातःकाल शब्द का संधिच्छेद क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहां पे ए होगा, प्रातः जोर काल, ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, हम लोग को अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका हुंकार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हुंकार। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, अपने पैरों पर खड़ा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, काफी लाजवाब क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्वावलंबी होना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, स्वावलंबी होना, ध्यान रखिएगा अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन करके आसमान टूटना इस मुहावरे का अर्थ बताना है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, डेफिनेटली सबको पता होगा ये अचानक मुसीबत आना, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, अचानक मुसीबत आना इस को मुहावरे में कहेंगे तो आसमान टूटना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना इस मुहावरे का अर्थ, डेफिनेटली ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा और सभी को पता होना चाहिए, मूर्ख होना, सॉरी बहुत अनुभवी होना, घाट घाट का पानी
पीना इस मुहावरे का जो कि बहुत अनुभवी होना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हम लोग को घास में दुबका घास में दुबका आकाश किसकी कृति है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है कब हुआ था। ज्ञानेंद्र पति के जन्म की बात की जा रही है, ध्यान रखिए 1 जनवरी 1950 को जो ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को चौरा बहुत में समास जो है वो किस प्रकार के समास है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका द्विंदु समास, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले होते हैं क्वेश्चन का, हम लोग को भात दाल में जो है समास वो किस प्रकार का समास है। तो भात दाल में समास जो जाएगा तो मतलब यहाँ पे चौरा नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत है, ठीक है, यहाँ पे वियोग चिन्ह लगा है, थोड़ा बहुत है, तो ये जो कन्फर्म है कि आपका द्विंदु समास ही होगा। चलिए क्वेश्चन कर हम लोग भात दाल भात में या फिर भात दाल में जो होगा आपका वो भी द्विंदु समास हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट, ज्ञानेंद्र पति के वो जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो दिया गया था, वो कब दिया गया था किस चीज़ में, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा संशयात्मा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। क्वेश्चन कर लोग गाँव का घर कविता के कवि जो है वो कौन है। तो बिल्कुल डिफरेंस को पता है ज्ञानेंद्र पति होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, गाँव का घर कविता के कवि जो है ज्ञानेंद्र पति है। आगे बढ़ते क्वेश्चन कहा कि आशा का विलोम जो है वो क्या है। आशा का विलोम की बात की जा रही है और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका निराशा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आशा का विलोम जो होता है निराशा हो जाता है। करेक्ट, कृष्ण का विलोम पूछ रहा है और ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर जो सभी का आंसर आना चाहिए कृष्ण का श्याम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा श्याम। क्वेश्चन कहा कि गाँव का घर जो किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो गाँव का घर जो सबको पता होगा संशयात्मा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का हम लोग को जो है कौन सा उपन्यास जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इस क्वेश्चन का रुका सौ आजान एक जो है सुजान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते कराएगा शीघ्र शब्द का पर्यायवाची बताना है, शीघ्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल डिफरेंस को पता होगा उपयुक्त सभी यहाँ पर जाना त्वरित एंड जल्दी, उसके बाद क्षिप्र, ऑप्शन नंबर डी जो होगा शीघ्र का पर्यायवाची याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का हम लोग समाचार शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, समाचार शब्द की पर्यायवाची की बात करें तो इसको भी क्वेश्चन का आंसर जो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, वार्ता खबर या फिर संदेश इन सबको समाचार कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहे कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को जो है क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह नंदी पाठ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कहता है कि हम लोग को साप्ताहिक जो है कौन सा सही लिखा हुआ है, किस तरह से कौन सा लिखा है साप्ताहिक सही। तो ध्यान रखिएगा सौ आकर पौतसंजोग आकर हावर्सी को साप्ताहिक जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ, बाकी चीज़ ध्यान रखिएगा अच्छे से। कहता है कि आकाश जो है वो कौन सा शब्द जो सही लिखा है, 56 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आकाश जो है आकर कहकर तलवश्य बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कर हम लोग को कि भागीरथी जो है वो किस तरह सही लिखा हुआ है। तो भागीरथी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा भागीरथी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कर हम लोग को रॉबिन जो क्रूसों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, रॉबिन क्रूसों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो आंसर होगा 16 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे क्वेश्चन था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षरता होता है, ये जो किसने कहा था। डेफिनेटली बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पे बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग को कि सुक्ति का संधिशत बनाया 2021 में क्वेश्चन आया हुआ, सुक्ति का संधिशत हो जाएगा आपका सूज और उक्ति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है, और मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि 60 से जो पढ़ लेते हैं तो आपको 50% ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और आपको अनुभव मिल जाएगा किस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने आएंगे। तो इस तरह आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत से बहुत ही चुन के सारे प्रश्न लेके आऊँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है इस एप्लीकेशन को आप लोग जो है सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर करें, सभी तक सभी को इसमें जोड़ें, ठीक है। तो चलिए यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए लाइव सेशन में नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स। अगर जो जो आप लोग इस कोर्स को लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।